हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। टुडेज डेट इज़ 19th of January 2021। डे इज़ ट्यूसडे। सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। टॉपिक इज लेसन नंबर 12, सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ। दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लेसन इन दिस क्लास। ओके, यस्टरडे वी हैड डन द एक्सरसाइज टिल हेयर, पेज नंबर 93, एंड exercise now was C2 exercise. Okay, we had completed. Now today we are going to do C3 exercise, short answers. Complete the answers, put a full stop at the end of the sentence. yani ki jab aap answer likhenge, chahe wo kitna bhi short ho, uske end mein aapko full stop zarur likhna hai. First question is, were you feeling happy yesterday? Yes, I was. yahan aap kahenge question mein were hai, answer mein was hai, yes. बिकॉज आई हैड टोल्ड यू, यू के साथ हमेशा वर होता है। वेदर यू इज़ अ सिंगुलर नाउन और अ प्लूरल, वी आर यूजिंग यू इन अ सिंगुलर स्टेट और अ प्लूरल स्टेट, वी आर ऑलवेज यूजिंग वर। बट आई के साथ वी यूज वॉज, तो वर यू, बट आंसर विल बी आई वॉज। ओके, सेकेंड इज, वॉज द क्लाउन क्राइंग? नो ही वॉजेंट। क्लाउन के लिए हमने ही यूज किया, was, same was, and because the answer is in no, so we'll write not in the answer. No, he wasn't. Were the deer drinking water? क्योंकि were use हुआ, that means there were not one deer but many deer, because plural of deer is also deer, not deers. Okay, so yes they were, yes they were. Was Ravi riding a horse? No, he was not. Ravi ke liye he use hua was, and because the answer is no, so not we are right. And when you have seen, I have written the full stop with every answer. So you will also write the full stop. No, he was not. Were you taking a picture of your friend? Yes, I was. Same thing. यहाँ पे singular you use हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर आई भी यूज होगा, बट यू के साथ वी यूज वर, बट आई के साथ वी यूज वॉज। यस आई वॉज। सिक्स इज, वर द चिल्ड्रन प्रेइंग? यस दे वर। चिल्ड्रन है, सो दे वर, यस दे वर। नाउ टर्न द पेज। डी राइटिंग पार्ट, कंप्लीट द थैंक यू नोट द विलेजर्स रोड टू सेंट फ्रांसिस आफ्टर ही सेव देम फ्रॉम द सैवेज वुल्फ। यूज द फ्रेजेस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए, अटैक आवर पीपल, किल एंड ईट आवर एनिमल, सेविंग अस फ्रॉम द सैवेज वुल्फ, द ड्रेडेड वुल्फ हैज बिकम, फॉर विजिटिंग आवर विलेज, प्लीज कम टुमारो इवनिंग, स्टेपिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस। ये हमारे कुछ क्या दिए गए हैं फ्रेजेस, इनको हम इन अपने लेटर में यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डियर ब्रदर फ्रांसिस, वी वॉन्ट टू थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर विलेज। यहाँ पे फॉर आई हैव नॉट रिटन, सो यू विल राइट फॉर विजिटिंग आवर विलेज, फॉर विजिटिंग आवर विलेज एंड सेविंग अस फ्रॉम द सैवेज वुल्फ, सेविंग अस फ्रॉम द सैवेज वुल्फ। यहाँ पे आपको सब दिए गए, सेविंग अस फ्रॉम द सैवेज वुल्फ। इट यूज टू किल एंड ईट आवर एनिमल्स एंड अटैक आवर पीपल, किल एंड ईट आवर एनिमल्स एंड अटैक आवर पीपल। वी आर अफ्रेड ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस, स्टेपिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस। आवर लाइफ हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ यू, द ड्रेडेड वुल्फ हैज बिकम आवर फ्रेंड, द ड्रेडेड वुल्फ हैज बिकम आवर फ्रेंड। प्लीज कम टुमारो इवनिंग टू आवर चीफ्स हाउस फॉर अ डिनर वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन योर ऑनर। ओके, प्लीज कम टुमारो इवनिंग। ओके, प्लीज कम टुमारो इवनिंग, दिस फ्रेज यू विल राइट हियर, टू आवर चीफ्स हाउस फॉर अ डिनर वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन योर ऑनर, सिंसियरली द पीपल ऑफ गोबियो। Now the last one is listening and speaking, sound and spelling. Read the following words carefully. Your teacher will say a word from the each pair. Circle the word you hear.
So you can do this with the help of your parents or your siblings or your friend. आप में से कोई भी एक वर्ड इन दोनों में से बोलेगा, लाइक समवन इज सेइंग कैट सो यू विल सर्कल कैट, और समवन इज सेइंग शिप सो यू विल सर्कल शिप, और सिप यू विल सर्कल दैट वर्ड. ओके, यहाँ पे दो दो वर्ड हर उसमें दिए गए ग्रुप में, आप कोई सा भी एक वर्ड बोलेंगे एंड योर फ्रेंड विल सर्कल दैट. नाउ E2 एक्सरसाइज राइमिंग वर्ड. ईच वर्ड इन कॉलम ए राइम्स विद द वर्ड इन कॉलम बी, से ऑल द words, then write the correct rhyming word in front of each word in column A. यहाँ पे column A में दिए गए water, go, tight, whale, blue, learn. column B में दिए गए move, burn, crow, sail, write, daughter. अब ये जो word इसमें column A का rhyme करेगा साथ वो आपको यहाँ लिखना है, like water, daughter. You will write daughter here. Water, daughter. Go, crow. Go, crow. Tight, right. Tight, right. Whale, sail. Whale, sail. Blue, moon. Blue, moon. Learn, burn. Learn, burn. Now, last is activity. टिक द थिंग्स यू वुड डू टू द पीपल यू लव. जो पीपल्स आप लव करते हो उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें करेंगे. फर्स्ट वन, यू ग्रीट दैम विद अ स्माइल. येस, सो यू विल टिक इट. यू डोंट टॉक टू दैम वेन दे विजिट योर होम. नो, सो वी आर नॉट लिविंग इट. यू हर्ट दैम फिजिकली. आप उन्हें चोट पहुँचाते हैं. नो. यू डोंट ओबे दैम. नो, दिस इज ऑल्सो. तो हमने इस सबको ब्लैंक छोड़ा हुआ है. यू ट्रीट दैम काइंडली. येस, सो टिक इट. You forgive them, yes. अगर कोई गलती उनसे हो जाती है हम उन्हें माफ भी कर देते हैं. So, A यानी कि first, last one, sorry, fifth and sixth are tick and rest we will leave. Okay, this is all in this lesson. Thank you.